हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका जेई क्लासेस मेरठ परिवार में। मैं मोनिका पाल आपके लिए डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की एक और क्लास लेकर आई हूँ। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कि नंबर सिस्टम कन्वर्जन क्या होता है। नंबर सिस्टम कन्वर्जन में हम सीखेंगे कि किस तरह से एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में यानी कि संख्या पद्धति में बदला जा सकता है। तो नंबर सिस्टम कन्वर्जन अलग अलग प्रकार का होता है। एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार में, जैसे कि डेसिमल को बाइनरी, बाइनरी को डेसिमल, हेक्सा को ऑक्टल, ऐसे इस प्रकार से इनकी कई सारी कैटेगरी, कई सारे इनके टाइप हो सकते हैं। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था जिसमें हमने पढ़ा था कि डिजिटल सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल का एनालॉग सिग्नल से क्या लाभ है, उसकी अपेक्षा उसके क्या लाभ हैं, एडवांटेजेस क्या है। क्योंकि हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ रहे हैं और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे के सारे जो इक्विपमेंट होते हैं, सारे के सारे जो डिवाइसेस होते हैं, वो सभी डिजिटल सिग्नल पर कार्य करते हैं। तो हमने उस लास्ट टॉपिक में ये पढ़ा कि डिजिटल सिग्नल क्यों बेहतर है एनालॉग सिग्नल की अपेक्षा, ठीक है। और साथ ही साथ मैंने आपको नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन भी कराया था, संख्या पद्धति के बारे में बताया था कि नंबर सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो आज का हम जो टॉपिक कंटिन्यू करेंगे उसमें सबसे पहले मैं आपको नंबर सिस्टम के बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन फिर से दे देती हूँ। तो बेसिकली नंबर सिस्टम जो है, संख्या पद्धति, मैं हिंदी में भी लिख देती हूँ, नंबर सिस्टम या हिंदी में जिसे कहते हैं संख्या पद्धति, वो चार प्रकार की होती है। नंबर वन बाइनरी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम, नंबर टू ऑक्टल नंबर सिस्टम यानी ऑक्टल संख्या पद्धति, और तीसरा है डेसिमल नंबर सिस्टम जिसे हिंदी में दशमलव संख्या पद्धति भी कहते हैं, और चौथा है हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम जिसको हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति भी कहते हैं। स्टूडेंट, ये सब हम ऑलरेडी पिछली क्लास में कवर कर चुके हैं, बट ऐसे कुछ स्टूडेंट होंगे जो पहली बार हमारी क्लास ले रहे होंगे, तो वो स्टूडेंट क्या करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछली क्लास का लिंक ज़रूर चेक कर लें और जो लास्ट क्लास हमारी है उसे भी अटेंड कर लें, ताकि उनको टॉपिक को समझने में आसानी हो जाए। और अगर जो स्टूडेंट पहली बार हमारे चैनल से जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपको क्लास बहुत अच्छी लगती है तो उसको लास्ट तक देखिए, और इस क्लास को अपने स्टूडेंट्स जो आपके क्लासमेट्स हैं या बाकी डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स, उन सभी को शेयर ज़रूर करें, ठीक है। तो हम चलते हैं अपने नंबर सिस्टम पर। नंबर सिस्टम में चार प्रकार के नंबर सिस्टम हो सकते हैं। हमने नंबर सिस्टम में एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर की बात करी थी, जो कि होता है बेस या रेडिक्स। बेस या रेडिक्स, तो बताया था जो बेस होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं आर से, जहां आर कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 कुछ भी हो सकता है। तो बेस या रेडिक्स होता है किसी भी नंबर सिस्टम में, किसी भी संख्या पद्धति में जो मिनिमम अंक, मिनिमम नंबर जो यूज किए जाते हैं वो कहलाता है उसका बेस या रेडिक्स। उदाहरण के तौर पर अगर मैं आपको बताऊँ, हमें पता है कि हम शुरू से ही बचपन से डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते आ रहे हैं, उसमें क्या क्या होता है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी सबसे अधिकतम अंक क्या होता है, 9 होता है। और कितनी संख्याएं होती हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, यानी कि पूरी की पूरी कितनी होती है हमारी, 10 संख्याएं या 10 अंक होते हैं। इसीलिए जो डेसिमल नंबर सिस्टम होता है, ये रहा डेसिमल नंबर सिस्टम, तो डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। तो आप समझ गए होंगे बेस से क्या अर्थ होता है, यानी बेस का अर्थ है कि किसी नंबर सिस्टम में अधिकतम अंकों की जो संख्या होती है, यानी उसमें कितने अंक प्रयोग में लाए जाते हैं। तो 0 से 9 तक के जो अंक हैं वो गिनती में कितने हुए, 10 अंक हुए। तो चूंकि इसमें 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स होगा 10। तो आप समझ गए, किसी भी संख्या पद्धति में बेस या रेडिक्स का अर्थ होता है उसमें प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या, ठीक है। और उसमें अधिकतम सबसे बड़ा अंक होता है हमारा n-1, ठीक है। तो कुल मिला के बात करें बाइनरी की, ये सब हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट्स, बेस और रेडिक्स के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। अगर हमें अधिकतम अंक निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं, r-1 से। जैसे कि हमें निकालना हो डेसिमल में, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, बट फिर भी जो स्टूडेंट नए हैं और जो बाकी स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लास ऑलरेडी अटेंड कर लिए, दोनों के लिए ही फायदेमंद होगा
क्योंकि जिन्होंने क्लास अटेंड कर ली है उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा और नए बच्चों के लिए क्या होगा, उन्हें टॉपिक समझने में आसानी होगी। तो हम क्या करते हैं, अभी बताया हमने बेस या रेडिक्स को प्रदर्शित करते हैं आर से, जहां बेस या रेडिक्स क्या होता है, किसी नंबर सिस्टम में अधिकतम अंकों की संख्या को प्रदर्शित करता है। और अगर हमें उस नंबर सिस्टम में सबसे बड़ा अंक निकालना हो, यानी सबसे बड़ा अंक क्या होगा, फॉर एग्जांपल हम फिर से बात करते हैं डेसिमल की, क्योंकि यही एक हमारा ऐसा है जो जाना पहचाना सा नंबर सिस्टम है, बचपन से हमारा साथ दे रहा है, ठीक है। तो डेसिमल नंबर सिस्टम की बात करते हैं, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में अभी बताया आर की वैल्यू कितनी होती है, 10 होती है कि नहीं होती है, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 1, तो सबसे बड़ा अंक क्या हो गया इसमें, 9 हो गया, 9 सबसे बड़ा अंक होता है। तो इसी प्रकार से हमें अगर किसी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स पता है तो हम उसका अधिकतम सबसे बड़ा जो अंक होगा, सबसे बड़ा नंबर उसमें कौन सा होता है, वो भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो मैंने दो बातें बताई, नंबर वन ये बताई कि बेस या रेडिक्स क्या होता है, तो बेस या रेडिक्स क्या होता है, किसी नंबर सिस्टम में अधिकतम कितने अंक प्रयोग में लाए जा रहे हैं वो उसका बेस या रेडिक्स कहलाता है, मैक्सिमम नंबर जो मैक्सिमम डिजिट जो उसमें यूज़ हुई है। फिर दूसरी बात मैंने बताई कि अगर हमें किसी नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स पता है तो हम उसमें सबसे बड़ा यानी सबसे जो सबसे लार्जेस्ट नंबर होगा वो हम निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, आर माइनस वन से, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम अपने नंबर सिस्टम की ओर, तो नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम जो है सबसे ज़्यादा हमारे काम वाला नंबर सिस्टम है, जो बहुत यूज़ होता है। आपको पता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में सारे के सारे डिवाइसेस डिजिटल सिग्नल पर काम करती हैं, और डिजिटल सिग्नल क्या होता है, केवल 0 और 1 पे काम करता है, यानी सारा का सारा काम किसका है, बाइनरी नंबर सिस्टम का ही है। तो बाइनरी नंबर सिस्टम में बेस जो होता है वो 2 होता है। ऑक्टल की बात करें तो ऑक्टल में बेस होता है 8, डेसिमल की ऑलरेडी बताई चुके 10 होता है, हेक्साडेसिमल का बेस होता है 16, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है बच्चों ये कुछ इस तरीके से आ भी सकता है कि बाइनरी नंबर सिस्टम और डेसिमल नंबर सिस्टम को समझाइए, यानी थियोरेटिकल में भी चांस है। इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के स्टूडेंट्स जो हैं उनके पिछले साल के क्वेश्चन पेपर में 2 बार ये क्वेश्चन आया है, जिसमें पूछा गया है कि किन्हीं दो नंबर सिस्टम की कंपैरिजन पूछ ली, कि किन्हीं दो नंबर सिस्टम का, जैसे फॉर एग्जांपल बाइनरी और हेक्सा को पूछ लिया, बाइनरी ऑक्टल को पूछ लिया, और उनकी तुलना कीजिए। तो आप बताएंगे बाइनरी नंबर सिस्टम एक ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस कितना है, 2 होता था, जिसका बेस या रेडिक्स 2 होता है, क्योंकि इसमें प्रयोग होने वाले अधिकतम अंक कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, 0 और 1, ठीक है। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम वो नंबर सिस्टम है जिसमें कितने अंक प्रयोग में लाए जाते हैं, 8, इसलिए इसका बेस या रेडिक्स कितना होता है, 8 होता है। और इसमें प्रयोग होने वाले अंक कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। डेसिमल नंबर सिस्टम ऐसा नंबर सिस्टम है जिसका बेस या रेडिक्स 10 होता है, अर्थात इसमें प्रयोग होने वाले अंकों की संख्या कितनी होती है, पूरी 10 होती है। और इसमें प्रयोग होने वाले अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। इसी तरह से बात करें अपने बचे हुए नंबर सिस्टम की हेक्साडेसिमल की, तो हेक्साडेसिमल का जो बेस होता है वो 16 होता है, अर्थात इसमें हम कितने अंकों का प्रयोग करते हैं, 16 अंकों का, और ये हम ऑलरेडी बता चुके, इसमें 16 अंक होते हैं हमारे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और 9 के बाद फिर क्या होता है बच्चों, 9 के बाद होता है ए बी सी डी ई। 9 के बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए ए 11 को, बी 12 को, सी 13 को, डी 14 को, ई और 15 को एफ, ठीक है। तो ये हमारे 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हो गए। इन चारों नंबर सिस्टम में बाइनरी नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होता है, इसमें प्रयोग होने वाले अंक 0 और 1 होते हैं। ऑक्टल नंबर सिस्टम जिसका बेस 8 होता है, इसमें नंबर जो प्रयोग में लाए जाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 होते हैं। और ऑक्टल नंबर, फिर उसके बाद बात करते हैं डेसिमल जिसका बेस कितना होता है, 10 होता है, और उसमें प्रयोग होने वाले अंक होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक, ठीक है। और हेक्सा, बस इसको थोड़ा याद रखने वाली बात है बच्चों,
कि हेक्सा नंबर सिस्टम जो होता है उसमें इसका बेस या रेडिक्स होता है 16, 16, ठीक है, 16 का डोला याद रखना आप, 16 जो है, और इसमें नंबर हो जाएंगे हमारे 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक तो ठीक है, उसके बाद फिर ए बी सी डी ई एफ होता है, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। चलिए हम आ जाते हैं अपने मेन टॉपिक पे, जो था नंबर सिस्टम कन्वर्जन। अब नंबर सिस्टम कन्वर्जन मैंने बताया था कि एक प्रकार की संख्या पद्धति को किसी दूसरे प्रकार की संख्या पद्धति में बदलना या परिवर्तित करना कहलाता है नंबर सिस्टम कन्वर्जन। यानी कुल मिला के एक प्रकार के नंबर सिस्टम को दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना। तो बेहद ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, क्योंकि जब सिलेबस वाली वीडियो हमने डिस्कस की थी तो सिलेबस वाली क्लास में हमने बताया था कि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है टॉपिक, और इस टॉपिक के बहुत 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 सारे क्वेश्चन पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स में पूछे गए हैं। तो इस टॉपिक को थोड़ा ध्यान से आप पढ़िएगा, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस इसको देनी है, क्योंकि ये टॉपिक जो है बच्चों ये सेमेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन ये आपको कंपटीशन में भी बहुत काम आने वाला है। कंपटीशन में भी इसके काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और सेमेस्टर में तो ये आपको क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ें आप, ठीक है। तो जो हमारा नंबर सिस्टम कन्वर्जन है, यानी संख्या पद्धति का जो परिवर्तन है एक प्रकार की संख्या पद्धति को दूसरी प्रकार की संख्या पद्धति में, तो हालांकि हमने पढ़े 4 प्रकार के नंबर सिस्टम हैं। अब इनका आपस में जो कन्वर्जन है वो किस प्रकार से हो सकता है आप देखिए। पहला तो हो सकता है डेसिमल टू एनी अदर, यानी दशमलव संख्या पद्धति को, मैं ब्लू पेन से लिख देती हूँ, आपको आसानी होगी देखने में, ठीक है। दशमलव संख्या पद्धति को, यानी दशमलव संख्या पद्धति को किसी अन्य संख्या पद्धति में बदलना, ठीक है। पहला कन्वर्जन है डेसिमल नंबर सिस्टम को किसी दूसरे प्रकार के नंबर सिस्टम में बदलना, या एनी अदर से अर्थ है कि इसमें क्या क्या आ गया, बाइनरी आ गया, और आपका ऑक्टल भी आ गया, और तीसरा आपका हेक्सा भी आ गया, ठीक है बच्चों। यानी डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम में हम पढ़ेंगे दशमलव संख्या पद्धति को किसी अन्य संख्या पद्धति में परिवर्तित कर देना। तो उसमें आप बेसिकली कितने प्रकार पढ़ रहे हो, पहला आप पढ़ोगे डेसिमल को बाइनरी में, दूसरा पढ़ोगे डेसिमल को ऑक्टल में, तीसरा आप पढ़ोगे डेसिमल को हेक्साडेसिमल में। यानी कुल मिला के इसके अंदर आप 3 कन्वर्जन पढ़ोगे, ठीक है। तो पहला जो मेथड हम आपको बताएंगे वो है डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम, और इस डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम में हम 3 प्रकार के कन्वर्जन पढ़ेंगे। दूसरा है हमारा एनी अदर टू डेसिमल, यानी किसी अन्य संख्या पद्धति को दशमलव में बदलना, यानी इसका बिल्कुल उल्टा हो गया। या हमने दशमलव को किसी अन्य में बदला था, लेकिन यहाँ पर किसी अन्य को अब दशमलव में बदलेंगे। तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, एनी अदर में पहला हो जाएगा हमारा बाइनरी टू डेसिमल, दूसरा हो जाएगा ऑक्टल टू डेसिमल, और तीसरा हो जाएगा हेक्सा टू डेसिमल। यानी इसमें भी हम पढ़ेंगे 3 टाइप, ठीक। अगला थर्ड टाइप जो है ये है ऑक्टल टू बाइनरी, और देखिए मैंने डबल एरो लगाया है, एरो दोनों तरफ से बना हुआ है, यानी द्विदिशीय है इसको हम कहते हैं, यानी बाइडायरेक्शनल एरो है, ये द्विदिशीय तीर का निशान है या बाइडायरेक्शनल एरो है, जो कि बता रहा है कि ऑक्टल का बाइनरी में और बाइनरी को ऑक्टल में। यानी इसमें भी 2 कन्वर्जन आ गए, कौन सा, पहला तो है ऑक्टल को किस में करना, बाइनरी में, वह दूसरा है बाइनरी को ऑक्टल में। तो इसमें भी 2 प्रकार के कन्वर्जन आ गए, ठीक है। एक तो आ गया ऑक्टल को बाइनरी में, और दूसरा आ गया बाइनरी को ऑक्टल में।
फिर नेक्स्ट जो है हमारा फोर्थ वन, उसमें है हेक्साडेसिमल को बाइनरी, और आप देख रहे हैं यहाँ पर भी द्विदिशीय तीर का निशान लगा है, अर्थात बाईडायरेक्शनल एरो लगा है, जो कि बता रहा है हेक्सा को बाइनरी और बाइनरी को हेक्सा। यानी इसमें भी हम दो मेथड पढ़ेंगे, पहला तो बताएगा हेक्सा को बाइनरी और दूसरा है बाइनरी को हेक्सा। ठीक है, तो इसमें भी दो मेथड आ गए, हेक्सा को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में, और दूसरा बाइनरी नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, हेक्साडेसिमल तीर का निशान बाइनरी, या हेक्साडेसिमल बाइनरी वाई से वर्षा, यानी एक दूसरे का विपरीत भी। फिर पांचवा जो मेथड है ये बता रहा है ऑक्टल बाइडायरेक्शनल एरो लगा है हेक्साडेसिमल, यानी ऑक्टल को हेक्साडेसिमल में और हेक्साडेसिमल को ऑक्टल में। तो यहाँ भी हम क्या पढ़ेंगे, फिर से दो मेथड पढ़ेंगे, जो कि क्या है ऑक्टल को हेक्सा में और दूसरा है हेक्सा को ऑक्टल में। इन सबको नोट कर लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कुल मिला के इतने कन्वर्जन मेथड हम पढ़ने वाले हैं। आप देखिए तीन ये हो गए, यानी इसके अंदर इस फर्स्ट वाले टाइप में तीन टाइप हो गए, सेकंड वाले टाइप में भी तीन टाइप हो गए, फिर थर्ड वाले में दो, फिर फोर्थ वाले में दो, और फिफ्थ वाले में भी दो। कुल मिला के तीन तीन छः, दो आठ, दो दस और दो बारह, यानी 12 मेथड हम आपको सिखाएंगे। तो ये जो मैंने डिवीजन बेसिकली जो किया है ना क्लासिफिकेशन की, तीन इसमें आ गए, तीन इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, ये आपकी आसानी के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मोस्टली ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट तो है ही, लेकिन ये बहुत कंफ्यूजन भी क्रिएट करता है। इसमें मोस्टली बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा मेथड किस पे लगाना है। तो हमने क्या करा, बेसिकली इनकी ग्रुपिंग कर दी कि तीन मेथड इसमें डाल दिए, तीन इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो जो मिलते जुलते मेथड है वो एक साथ डाल दिए, ये मिलते जुलते मेथड एक साथ डाल दिए, ये भी सिमिलर मेथड है तो एक साथ डाल दें, जिससे आपको समझने में आसानी हो जाए। तो आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और कुल मिला के 12 मेथड है जिनको हम वन बाय वन आपको क्लियर करते हुए जाएंगे। ठीक है, चलिए तो हम बढ़ते हैं अपने पहले कन्वर्जन की तरफ। मैं इसे रब कर देती हूँ। स्टूडेंट्स आप क्या करें, आप जानते हैं कि जेई क्लासेस मेरठ परिवार की तरफ से इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दी जा रही है स्टूडेंट्स की, आप लोगों को रेगुलर सेमेस्टर क्लासेस दी जा रही हैं, तो सभी स्टूडेंट्स क्या करें, रेगुलर क्लास अटेंड करते रहें। और आप क्या करें, हमारा जो टेलीग्राम चैनल है जेई पॉलिटेक्निक सेमेस्टर क्लासेस JEC, उसको भी आप जरूर ज्वाइन कर लें। जो चैनल का नेम है वो आपको दिखाई दे रहा है स्क्रिप्ट पर, उससे आपको ट्रिपल बेनिफिट होने वाला है स्टूडेंट्स। पहला बेनिफिट तो ये होगा कि आपको रेगुलर क्लासेस का शेड्यूल पता लगता रहेगा कि कौन सी क्लास किस टाइम पे होने वाली है, ताकि किसी प्रकार का कोई कंफ्यूजन आपको ना रहे। दूसरा बेनिफिट जो होने वाला है वो होने वाला है आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं। बहुत बड़ी बात है स्टूडेंट्स कि बच्चों को नोट्स नहीं मिल पाते, जिसकी वजह से सही तरीका उन्हें लिखने का नहीं आता। देखिए, जो बच्चे के लिए दो इंपॉर्टेंट बातें होती है, पहला तो ये कि टीचर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर उसको क्या बताता है, टॉपिक को बहुत डाइल्यूटेड वे में एक्सप्लेन करता है, जिससे टॉपिक हमेशा के लिए उसके दिमाग में बैठ जाता है। ठीक है, लेकिन जो बुक या नोट्स होते हैं उनका भी अपना ही एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है। क्यों होता है, क्योंकि एग्जामिनेशन में जो आपको मार्क्स मिलते हैं वो आपके लिखने के तरीके पर मिलते हैं, और वो लिखने का तरीका आप कहाँ से सीखते हैं, या तो नोट्स से या फिर बुक से। तो नोट्स की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है, तो हम आपको PDF नोट्स भी उपलब्ध कराने वाले हैं, जो कि आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है, आपको BTE से संबंधित जो इम्पॉर्टेंट जानकारी है, जो आप मिस कर जाते हो यूजुअली, वो सब आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी।
तो आप क्या करें स्टूडेंट्स, आज ही हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। अगर आपके पास टेलीग्राम ऐप नहीं है तो आप टेलीग्राम ऐप को गूगल स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप ज्वाइन ग्रुप पे क्लिक करें और उसमें हमारे चैनल का नेम डाल दें, जिससे आप चैनल में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, तो आप क्या करें आज ही चैनल को ज्वाइन कर लें। और ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जो आपके संपर्क में हैं, जो डिप्लोमा स्टूडेंट्स हैं, आपके फ्रेंड्स होंगे, आपके क्लासमेट्स होंगे, या आपकी जानकारी में और भी बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जिन तक ये जानकारी, ये सूचना नहीं पहुंच पाई है, तो उनको भी ये जानकारी दे दें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट हो सके। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारा पहला ही जो टॉपिक है नंबर सिस्टम कन्वर्जन का, बेहद इम्पॉर्टेंट है। हमने पहला नंबर सिस्टम कन्वर्जन लिया है, आप देख सकते हो, डेसिमल टू एनी अदर। तो मैंने बताया डेसिमल टू एनी अदर में, आप यहाँ पर देख सकते हो, डेसिमल टू एनी अदर में तीन प्रकार के नंबर सिस्टम कन्वर्जन आते हैं। कौन कौन से आते हैं? पहला है डेसिमल टू बाइनरी, इसे यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। पहला है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी में कन्वर्ट करना सीखेंगे सबसे पहले। यानी हम कह सकते हैं बेस 10 को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, बेस 2 में। नंबर 2 जो है इसमें दूसरा मेथड जो पढ़ेंगे, मैंने बताया था ना फर्स्ट टाइप में हम तीन मेथड पढ़ेंगे, ये तीन लिखा हुआ है, यानी इसमें भी अंदर तीन मेथड आते हैं। तो दूसरा मेथड है डेसिमल टू ऑक्टल, यानी दूसरा तरीका हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से डेसिमल नंबर सिस्टम को हम ऑक्टल में परिवर्तित कर सकते हैं। यानी बेस 10 को बेस 8 में किस प्रकार परिवर्तित किया जा सकता है। और तीसरा जो मेथड पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम डेसिमल को हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना। कुल मिला के बेस 10 को बेस 16 में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो ये तीन तरह के कन्वर्जन है जो हमारे टाइप 1 में आते हैं। यानी किसी भी प्रकार के नंबर सिस्टम, डेसिमल को किसी भी प्रकार के नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स डेसिमल टू एनी अदर नंबर सिस्टम। तो इसमें तीन कन्वर्जन ही आते हैं, जो कि है डेसिमल नंबर सिस्टम को बाइनरी नंबर सिस्टम में चेंज करना, दैट मीन्स बेस 10 को बेस 2 में कन्वर्ट करना। फिर दूसरा है हमारा डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करना, दैट मीन्स बेस 10 को बेस 8 में कन्वर्ट करना। और थर्ड हमारा है डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करना, दैट मीन्स बेस 10 को बेस 16 में कन्वर्ट करना। तो ये जो टाइप है मैंने यहाँ भी लिखे हुए हैं, यानी हमारा जो फर्स्ट टाइप है कन्वर्जन का, नंबर सिस्टम कन्वर्जन का जो फर्स्ट टाइप है, आप देख सकते हो डेसिमल टू एनी अदर, इसके फर्दर तीन पार्ट हैं, जो कि है डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू ऑक्टल, और तीसरा है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ठीक है, या आप इसको इस फ्लो चार्ट से भी समझ सकते हो। डेसिमल का कन्वर्जन पहले किसका है, बेस 10 को 2 में, बेस 10 को 8 में, बेस 10 को 16 में, यानी डेसिमल को बाइनरी में, डेसिमल को ऑक्टल में, और डेसिमल को हेक्साडेसिमल में चेंज करने का तरीका हम समझेंगे। ठीक है, तो बहुत ही आसान तरीका है इसे चेंज करने का। हालांकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूँ स्टूडेंट्स, कि जो हमारा नंबर होता है, कोई भी नंबर, उस नंबर में दो भाग होते हैं। कैसे? ये वाला जो भाग होता है, आप देख रहे हो बीच में क्या होता है, दशमलव बिंदु होता है, या इसको सिंपल आप कहते हो पॉइंट। ठीक है, और इसके दो भाग होते हैं, एक होता है दाईं तरफ यानी राइट साइड, सॉरी ये गलत लिख दिया, दाया मतलब यहाँ पर हमारा है बाया साइड होगा, बाई साइड, बाई तरफ, दैट मीन्स लेफ्ट साइड, और इधर होता है ये हमारा दाई साइड, यानी कि हमारा राइट साइड। ठीक है, तो कोई भी जो अंक है वो दो भागों में टूटा होता है बिंदु की सहायता से, पॉइंट की सहायता से। पॉइंट बीच में होता है, पॉइंट के लेफ्ट साइड एक भाग होता है, पॉइंट के राइट साइड भी एक भाग होता है। एक्चुअली जो पॉइंट के लेफ्ट साइड में भाग होता है उसे कहते हैं हम पूर्ण भाग, यानी कि होल पार्ट,
और जो हमारा दाई तरफ भाग होता है उसे हम कहते हैं भिन्नात्मक भाग। दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा जैसे मैं अगर एक यहाँ पर कोई भी एक एग्जांपल लिख दूँ 23.25, तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया होल पार्ट, पूर्ण भाग इसका, और इधर जो है दशमलव के इधर तरफ जो है ये हो गया इसका फ्रैक्शनल पार्ट, यानी कि इसका भिन्नात्मक भाग। ठीक है, इतनी बात आपको समझ लेनी जरूरी है, क्योंकि जब नंबर सिस्टम के आप क्वेश्चन करोगे नंबर सिस्टम कन्वर्जन के, तो आपको कई बार संख्याएं ऐसी भी मिलेंगी जिनमें पॉइंट लगा होगा, यानी भिन्नात्मक भाग भी दिया हुआ होगा, तो उस समय आपको कॉन्सेप्ट समझ लेना जरूरी है कि जो हमारा लेफ्ट पार्ट है वो होल पार्ट या पूर्ण भाग कहलाता है, और जो हमारा राइट पार्ट है वो कहलाता है फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, अब होता क्या है, किसी भी नंबर सिस्टम में मैंने बताया था वेटेज, किसी भी नंबर सिस्टम में हर एक अंक का कुछ वेटेज होता है, उसकी कुछ प्लेस वैल्यू होती है। आप देखते हैं जैसे हम डेसिमल की बात करें तो डेसिमल में यहाँ होता है 10 की घात 0, फिर 10 की घात 1, फिर 10 की घात 2, 10 की घात 3, 10 की घात 4, ऐसे ये बढ़ते हुए क्रम में होता है। जबकि राइट साइड अगर हम जाते हैं तो 10 की पावर माइनस में होंगी, 10 की पावर माइनस 1, 10 की पावर माइनस 2, 10 की पावर माइनस 3, 10 की पावर माइनस 4। ठीक है, ये आप सभी जानते हैं कैसे, आपको पता है आपने बचपन में पढ़ा है ना कि यहाँ इकाई, क्यों कहा इसको इकाई, क्योंकि 10 की घात 0 क्या हो जाएगा 1, और 10 की घात 1 क्या हो जाएगा 10, 10 की घात 2 100, 10 की घात 3 1000, इस तरीके से चलता है ये। ठीक है, तो आपने पढ़ा ना, आपको बचपन में सिखाया है कि इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से आपने पढ़ा होगा। तो क्या होती है, हर एक डिजिट की, हर एक अंक की अपनी कुछ प्लेस वैल्यू होती है, तो वो प्लेस वैल्यू क्या होती है, उसके बेस की घात के बढ़ते हुए क्रम में होती है। तो यहाँ डेसिमल में बेस कितना है 10, और इसकी पावर क्या होंगी, बढ़ते हुए क्रम में होंगी, पॉइंट के लेफ्ट साइड में 10 की घात 0 से शुरू होगी, और ये होगा 10 की घात 0, 10 की घात 1, 10 की घात 2, 3, 4, 5, इसी तरह से बढ़ता हुआ जाएगा। और जब हम पॉइंट के राइट साइड देखते हैं यानी दाईं तरफ देखते हैं, तो घातें क्या होती हैं, विपरीत हो जाती है, यानी माइनस में होती हैं, 10 की घात -1, -2, -3, -4। इसका बहुत अच्छा सा उदाहरण है, जब आप क्या करते हो, कोई नंबर है, मान लीजिए कोई एग्जाम्पल है, मैं ले ले रही हूँ, वो नंबर है 0.2। ठीक है, तो जब आप इसका पॉइंट रिमूव करते हो, तो बेसिकली पॉइंट हटाने पे आप इसमें क्या करते हो, 2 × 10⁻¹ कर देते हो, करते हो कि नहीं करते हो, या क्या कर देते हो, इसको लिख देते हो 2/10, लिखते हो ना। तो यहाँ क्या हुआ, पॉइंट जब रिमूव किया तो यानी जो यहाँ 2 का वेटेज है वो कितना है 10⁻¹, और अगर ये क्या होता पॉइंट, ये नंबर होता है 0.02 हो जाता, तो यहाँ क्या करते आप 2 × 10⁻², करते। ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाते हैं, जब पॉइंट के बाद यहाँ पर होता है तो 2 की 10 की घात -1, यहाँ होता है नंबर 10 की घात -2, यहाँ होता है 10 की घात -3, यहाँ होता है 10 की घात -4, और जैसे जैसे हम दाईं तरफ बढ़ते चले जाते हैं तो घातें भी बढ़ते हुए क्रम में माइनस की तरफ बढ़ती हुई चली जाती हैं। ठीक है, तो ये किसी भी नंबर सिस्टम की बात करें ना, सभी नंबर सिस्टम में ऐसा होता है कि हर एक नंबर सिस्टम में हर अंक का अपना कुछ प्लेस वैल्यू होता है, कुछ स्थानीय मान होता है, और वो प्लेस वैल्यू क्या होता है, बिंदु के लेफ्ट तरफ उसके बेस की घात 0 से शुरू होकर बढ़ते हुए क्रम में होता है, धनात्मक रूप में, पॉजिटिव रूप में, और बिंदु के राइट साइड यानी दाई तरफ बेस की घातें माइनस में बढ़ते हुए क्रम में होती हैं। अगर हम बात करेंगे बाइनरी की, तो यहाँ हो जाएगा 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, यहाँ 2 की घात -1, -2, -3, -4। अगर ऑक्टल की बात करेंगे तो यहाँ 10 के स्थान पर 8 आ जाएगा, क्योंकि ऑक्टल में बेस कितना होता है 8 होता है, तो हो जाएगा 8 की घात 0, 8 की घात 1, 8 की घात 2, 100 ऑन, ऐसे चलता रहेगा, फिर 8 की घात -1, 8 की घात -2, इसी तरह से चलता रहेगा। सिमिलरली हेक्साडेसिमल में भी 16 के रूप में घातें प्लस और माइनस में चलेंगी। तो ये बात आपको समझ लेनी ज़रूरी थी। तो हमारा पहला कन्वर्जन हम लेते हैं
डेसिमल को पहला कन्वर्जन नाम ले लेते हैं, डेसिमल को किसी अदर नंबर सिस्टम में। तो पहला तरीका हम ले लेते हैं डेसिमल को, हम ये तरीका देख रहे हैं जो कि है डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना। तो हमको एक नंबर ले लेते हैं, एग्जांपल ले लेते हैं, एक नंबर है 24 और ये है डेसिमल का, और इसे कन्वर्ट करना है किसमें, बाइनरी में। इस तरह इसी क्वेश्चन आपको दिए होंगे बच्चों, कई बार क्वेश्चन मार्क दिया होता है, कई बार डैश डैश दिया होता है, कि आपको पहचानना होगा बेस 10 दिया है अर्थात क्या है ये डेसिमल नंबर है, और निकालना क्या है बेस 2 अर्थात ये क्या है हमारा बाइनरी नंबर। दैट मींस डेसिमल को किस में कन्वर्ट कर देना है, बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो इसको कन्वर्ट करने का बड़ा आसान तरीका है, जब भी किसी डेसिमल नंबर को किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करते हैं, पूर्ण भाग को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उस संख्या को, कौन सी संख्या को, उस डेसिमल संख्या को संबंधित संख्या के बेस या रेडिक्स से भाग करते हुए जाते हैं। ठीक है, इसका तरीका है ये जो हमने टाइप 1 पढ़ रहे हैं हम, यानी डेसिमल 2, एनी अदर डेसिमल को बाइनरी में करने के लिए, डेसिमल को ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए, या डेसिमल को हेक्सा में कन्वर्ट करने के लिए, केवल एकमात्र यही तरीका है। लेकिन कंडीशन दी है पूर्ण भाग, यानी जब नंबर कैसा, होल नंबर। आप देख रहे हो इसमें पॉइंट मेंशन नहीं है, ये तो ये नंबर कैसा है, पूर्ण भाग। तो हम केवल पूर्ण भाग वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है यानी भिन्नात्मक भाग, उसको कन्वर्ट करने के लिए अलग तरीका है। तो पहले हम केवल पूर्ण भाग को कन्वर्ट करना सीख रहे हैं, यानी ऐसी संख्या को कन्वर्ट कर रहे हैं जिसमें दशमलव बिंदु नहीं दिया, पॉइंट नहीं दिया, और केवल होल पार्ट यानी पूर्ण भाग ही दिया है। तो पूर्ण भाग को कन्वर्ट करने का तरीका है कि उस डेसिमल संख्या को संबंधित संख्या के बेस या रेडिक्स से क्या करते हैं, भाग करते जाते हैं। मान लीजिए हमें क्या करना है, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो उस डेसिमल संख्या को संबंधित संख्या यानी बाइनरी संख्या के बेस से अर्थात 2 से भाग देते हुए चले जाते हैं, और क्या करते हैं, रिमाइंडर जो होता है, रिमाइंडर को नोट करते हुए जाते हैं। ठीक है, रिमाइंडर को हम नोट करते जाते हैं और उस संख्या को भाग तब तक देते जाते हैं कि या तो हमारा शेषफल 0 आ जाए, या हमारा जो शेषफल है वो भाग दी जाने वाली संख्या से छोटा ना आ जाए। ये बिल्कुल सिंपल, जैसे आप करते हो ना डिवाइड, उस तरीके की तरह से ही है कि जब आप किसी संख्या को डिवाइड करते हो किसी दूसरी संख्या से, तो कब तक डिवाइड करते हो, या तो तब तक 0 ना हो जाए, या क्या हो जाए, हमारा शेषफल क्या हो जाए, भाग दी जाने वाली संख्या से छोटा ना आ जाए। तो वही तरीका इसमें करेंगे, एग्जाम्पल देखने से आपको क्लियर हो जाएगा, और जो रिमाइंडर होंगे यानी शेषफल क्या होगा वो लिखते चले जाएंगे। तो इसको हम देखते हुए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है डेसिमल का नंबर है 24 और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में। ठीक है, तो करते हैं अपना क्वेश्चन सॉल्व। तो क्वेश्चन शुरू किया, हमारा नंबर है 24 और इसे कन्वर्ट करना है बाइनरी में, और बाइनरी का बेस है 2, तो हम इसे डिवाइड करेंगे 2 से। तो कितनी बार जाएगा, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, तो रिमाइंडर क्या आया, 0 आ गया। फिर इसे डिवाइड करेंगे 2 से, तो कितनी बार जाएगा, 2 6 जा 12, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया, रिमाइंडर क्या आया, फिर से 0 आया। फिर करेंगे 6 2 से कितनी बार जाएगा, 2 3 जा 6, 2 3 6 जाएगा, फिर से रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। फिर 2 से करेंगे, 2 एकम 2, लेकिन इस बार शेषफल क्या आया, 1 बच गया, क्योंकि 3 को जब हम 2 से भाग देते हैं तो 2 एकम 2 यानी 2 1 2, एक बार तो जाता है लेकिन 1 बच जाता है। तो कुल मिला के हमने क्या करा, इस संख्या को डिवाइड करते चले गए, कब तक, जब तक कि जो हमारा शेषफल है वो 2 से छोटा ना आ जाए। तो हमने शुरुआत करी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 शेषफल 0, 2 1 2 6 जा 12 शेषफल 0, फिर 2 3 जा 6 शेषफल 0, फिर 2 1 जा 2 लेकिन शेषफल क्या आया, इस बार 1 आया। तो अब क्या करते हैं, जो संख्याएं आई हमारे शेषफल में उसे बॉटम टू टॉप की तरफ
लिखते चले जाते हैं तो संख्या आ जाएगी, आंसर आ जाएगा 11000। यानी नीचे से लिखते हुए जाएंगे और जो नीचे शेषफल बचा है इसको भी लेंगे साथ में, और जो बाकी बची हुई है इनको हम बॉटम टू टॉप की तरफ यानी नीचे से ऊपर की तरफ लिखेंगे और संख्या आ गई 11002। तो ये क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया। ठीक है, सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन हमें करना हो, यही क्वेश्चन हमें करना हो, 24 है और इसे अब कन्वर्ट करने के लिए कहे ऑक्टल में। नंबर को किस में कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में करना है, सेम नंबर है। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, सिमिलर प्रोसेस अपनाएंगे, वही समान तरीका हम लेंगे। क्या तरीका लेंगे, वही करना था कि उस दी गई संख्या को किससे डिवाइड करना है, उसके बेस से डिवाइड करना है, और बेस ऑक्टल का कितना होता है, 8 होता है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, इसे इरेज कर देती हूँ। ठीक है, तो बेस हमारा क्या है, यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा 24 डेसिमल को कन्वर्ट करना है डैश डैश ऑक्टल में। ठीक है, तो सेम प्रोसेस हम फॉलो करेंगे, 24 नंबर है लेकिन इस बार किस में करना है, डेसिमल को ऑक्टल में करना है। तो भाग किसे देंगे, 8 से देंगे, तो कितनी बार जाएगा, 8 * 3 = 24 पूरा चला गया, तो रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। ठीक है, तो कितनी बार गया, 8 * 3 = 24 और रिमाइंडर क्या बचा, 0। तो अब आगे तो कुछ संख्या नहीं बची, तो क्या लिखेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, यानी आंसर आएगा 30 ऑक्टल। आसान तरीका है। नोट कर लें इसको। इसी तरह से जब हम थर्ड इसमें टाइप करेंगे, आप देख रहे हो ना, ये मैं केवल बता रही हूँ पूर्ण भाग के लिए। जब नंबर कैसा दिया हो, होल पार्ट दिया हो, उसमें फ्रैक्शन पार्ट नहीं दिया, दैट मीन्स उसमें पॉइंट या डेसिमल पॉइंट नहीं मेंशन हो, केवल पूर्ण भाग हो, पूर्ण संख्या दे रखी हो जिसमें होल पार्ट गिवन हो, डेसिमल पॉइंट ना दिया हो और फ्रैक्शन पार्ट भी हमें ना दिया हो। तो यहाँ पूर्ण भाग के लिए बता रहे हैं, मैंने बताया कि पूर्ण भाग जब हमें दिया हो, जब हमें कोई होल नंबर दिया हो डेसिमल का और उसे कन्वर्ट करना हो, बाइनरी ऑक्टल या हेक्सा तीनों में से किसी में भी करना हो, तो क्या करो, उस दिए गए नंबर को उसके संबंधित संख्या जिसमें आपको कन्वर्ट करना है उसके बेस से डिवाइड करते हुए जाओ, और डिवाइड तब तक करते हुए जाओगे जब तक कि या तो वो कम्प्लीटली डिवाइड ना हो जाए या फिर जो शेषफल है वो डिवाइड की जाने वाली संख्या से छोटा ना आ जाए। आप डिवाइड करते जाएं और शेषफल जो बची हुई डिजिट्स है वो लिखते हुए चले जाएं, और फिर क्या करें, उसे नीचे से ऊपर की तरफ यानी बॉटम से टॉप की तरफ लिख लें, तो इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब आपको डेसिमल को ऑक्टल में करना हो कन्वर्ट, तो डेसिमल नंबर को लिखेंगे और ऑक्टल का बेस होता है 8, तो आपने 8 से डिवाइड करा, तो एक बार में ही चला गया, 8 * 3 = 24 एक बार में खल लास्ट पूरा डिवाइड हो गया, तो शेषफल क्या आया, 0, और भी नीचे जो बची संख्या थी वो कितनी थी, 3, तो हमारा आंसर आ गया 3 और 0। लास्ट वाला टाइप जो है वो आपको बता दूं, सेम क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं, 24 नंबर है, डेसिमल का है और इसे कन्वर्ट करना है डैश डैश हेक्सा में। ठीक है बच्चों, हेक्सा नंबर में कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में, तो सेम तरीका होगा, नंबर लिख लीजिए 24 और डिवाइड किससे करना है, बेस 16 से। क्यों, क्योंकि जो नंबर है डेसिमल का उसे कन्वर्ट करना है हेक्सा डेसिमल में, और कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके बेस 16 से उसे डिवाइड करेंगे, तो 16 से डिवाइड करेंगे कितनी बार जाएगा, 16 बचा कितना, 24 में से 16 गए, तो हमारा रिमाइंडर बचा यहाँ पर 8। ठीक है, तो कितनी बार गया, 16 * 16 = 16 और रिमाइंडर बचा 8, तो आगे तो डिवाइड नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे, नीचे से ऊपर की तरफ, अर्थात आंसर आ जाएगा 18 * 16। ठीक है स्टूडेंट्स, तो कुल मिला के हमने ये बहुत आसान सा तरीका तो देखिए, आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, बहुत ही सिंपल और आसान तरीका है
क्या करना है, जब किसी भी डेसिमल नंबर को हमें किसी भी नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करना हो तो सीधी सी बात है, जब हमें पूर्ण भाग दिया हो, हालांकि फ्रैक्शन पार्ट कन्वर्ट करने के लिए अलग तरीका है, पूर्ण भाग को कन्वर्ट करने के लिए हम उसके बेस से भाग देते जाते हैं, जबकि जो भिन्नात्मक भाग है जो हम आगे पढ़ेंगे अगली क्लास में, भिन्नात्मक भाग को कन्वर्ट करने के लिए यानी फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करने के लिए हम उसके बेस से गुणा करते हुए जाते हैं। तो यहाँ आज हमने सीखा कि किस प्रकार से किसी डेसिमल नंबर सिस्टम के पूर्ण भाग को बाइनरी में और डेसिमल नंबर सिस्टम के पूर्ण भाग को ऑक्टल में और डेसिमल नंबर सिस्टम के पूर्ण भाग को हेक्सा में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और स्टूडेंट इस तरह का जो क्वेश्चन है ना, डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करने वाला या बाइनरी का कन्वर्जन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो आप क्या करें, आज से प्रैक्टिस स्टार्ट कर दें, इसके नंबर सिस्टम कन्वर्जन के प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो लगाना स्टार्ट कर दें, या आपकी बुक की एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन गिवन है उनकी प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दें। क्लासेस तो आप रेगुलर लें ही ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है बच्चों वो है प्रैक्टिस, क्योंकि एक न्यूमेरिकल मैथमेटिकल पोर्शन है तो इसमें आपकी प्रैक्टिस बहुत ही मस्ट है। तो आप क्या करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, इसके न्यूमेरिकल्स इसकी प्रॉब्लम्स जो हैं वो पिछले साल के मॉडल पेपर से आप देख लें, या फिर अपने बुक में जो आपके एग्जाम्पल दिए हुए हैं उनको सॉल्व करें, ताकि आपकी जो कॉन्सेप्ट हैं वो ज़्यादा क्लियर हो जाएं, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा ही आपको क्लियर हो जाएगा टॉपिक। तो बस स्टूडेंट्स आज की क्लास हमारी यहीं पे ख़त्म होती है, अगली क्लास में जो हम पढ़ेंगे इस नंबर सिस्टम के फ्रैक्शन पार्ट को कन्वर्ट करना सीखेंगे कि किस तरीके से डेसिमल नंबर सिस्टम के भिन्नात्मक भाग को, दैट मीन्स फ्रैक्शनल पार्ट को हम किसी और नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं, और साथ ही साथ और बाकी जो बचे हुए हमारे कन्वर्जन वाले क्वेश्चन हैं, कन्वर्जन वाले टाइप हैं, उनको भी हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स बस आज के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, आज का इतना ही टॉपिक था हमारा, बस मुझे परमिशन दीजिए कि मैं चलती हूँ, अगली क्लास में आपसे फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच, जय हिंद जय भारत।